नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मैनेजमेंट पर। दोस्तों, पिछले दो साल का ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर डाला जाए तो छह महीना पहले तक निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप इंडेक्स हो या स्मॉल कैप इंडेक्स हो, वहां पर जबरदस्त करेक्शन आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से उस पीरियड में हार्डली किसी भी इन्वेस्टर्स को कोई एक अच्छा मुनाफा बना होगा। लेकिन पिछले छह महीना के डेटा पे नजर डाला जाए तो निफ्टी 50 से लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छा बुल रन आता हुआ दिखा। स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आती हुई दिखी। वहीं पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब 17-17.5% का ग्रोथ बना, जिसके बाद से थोड़ा सा करेक्शन या कर सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी 50 और ओवरऑल इंडेक्स जाता हुआ दिख रहा है और ये प्रेजेंट टाइम में 2.5% के आसपास अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है, जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है तब रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से दूर भागने का प्रयास करता है और जैसे ही बुल रन अब 50% बन चुका होता है और आगे उसको ऐसे लगने लगता है कि इसी तरह से स्टॉक मार्केट चलता है और वापस मार्केट में घुस के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए जाता है। लेकिन मजे की बात है, नॉर्मली वो लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं जो बियर मार्केट में एंट्री करते हैं, ना कि बुल मार्केट में। और फिलहाल ऐसा ही सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पिछले 5-6 महीने में अच्छा रिटर्न बना है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगने लगा है किसी भी स्टॉक को अगर वो बाई कर लें तो आने वाले 2-3 साल में उनको मल्टी बैगर या एक बहुत अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, जिस तरह से एक अच्छा ग्रोथ और बुल रन बना है पिछले 6-7 महीनों में, फिलहाल ये वो लेवल नहीं है जहां पर आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये तो रहा स्टॉक मार्केट के बारे में मेरा ओपिनियन। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी JSW स्टील लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल इंडिया में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी बन चुकी है BPSL कंपनी की एक्विजिशन के बाद। इस कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री पे ध्यान दिया जाए तो वो भी काफी पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका ऐसा टारगेट है आने वाले 10 साल में, जो करंट टाइम में उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 18 मिलियन टन पर एनम है, उसको बढ़ा के 45 मिलियन टन पर एनम करना है। लेकिन क्या ये इतना इजी है? क्योंकि इस सेक्टर में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी RINL, सेल जैसी कंपनीज है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर में भी कुछ बड़े बड़े दिग्गज है, जैसे JSPL और टाटा स्टील। प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल हो या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो कैसा नजर आ रहा है, और क्या किसी भी रिटेल निवेशक को यहाँ पर JSW स्टील लिमिटेड के शेयर को बाई करके चलना चाहिए फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो यहाँ अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। JSW स्टील लिमिटेड के की फाइनेंशियल पर नजर डाला जाए तो ये कंपनी आपको लार्ज कैप से बिलोंग करते हुए दिखेगी, क्योंकि प्रेजेंटली इसका मार्केट कैप 1,88,446 करोड़ है। स्टॉक भी थोड़ा सा हायर साइड में जाता हुआ दिखेगा क्योंकि ये 36.8 है, और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है मेटल इंडस्ट्री से जो भी कंपनी बिलोंग करती है उसका स्टॉक भी थोड़ा सा लोअर साइड में या अंडर वैल्यूएशन रहता है। लेकिन करंट टाइम में ओवरऑल अगर आप मार्केट पर नजर डालें तो मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक पीई आपको 30 या इसके एबव भी देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज एवरेज माना जा सकता है इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में, क्योंकि ROC इसका 8.33% और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5.64% है। ये पूरा सेक्टर ही डिविडेंड देने के मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए ये कंपनी भी डिविडेंड यील्ड के मामले में काफी कमजोर है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका मात्र 0.44% है। जून 2023 का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी अच्छा था, क्योंकि इसका सेल्स 38,086 करोड़ से बढ़ के 42,213 करोड़ हुआ है। लेकिन अगर सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2023 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका सेल 46,962 करोड़ था। वैसे अगर आपको आइडिया होगा तो नॉर्मली जब रेनी सीजन आता है कंस्ट्रक्शन वर्क काफी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से चाहे जून का क्वार्टर हो
या जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर हो, उस पीरियड में स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, उनके सेल्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये थोड़ा सा हमेशा लोअर साइड में ही देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून 2022 से लेकर जून 2023 के बीच में आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बार फिर से सेल्स की तरह ही मार्च 2023 क्वार्टर रिपोर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे छोटा सा एक डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज आपको यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 11% से बढ़ के फिलहाल पिछले दो क्वार्टर से 17% के रेंज में बना हुआ है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर भी नजर डालें तो यहाँ पर आपको पिछले 10 साल में काफी स्ट्रांग और अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 16%, 5 साल में 18%, 3 साल में 31% और सबसे खराब या कमजोर माना जा सकता है पिछले एक साल में, क्योंकि ये मात्र 9% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जरूर ये पॉजिटिव 13% है, लेकिन पिछले 5 साल में ये निगेटिव 10%, 3 साल में निगेटिव 6% और पिछले एक साल में ऑलमोस्ट आपको निगेटिव 68% देखने को मिलेगा। यानी सीधा सा इंडिकेशन है, भले ही कि इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में ग्रो किया है, लेकिन 5 साल से लेकर पिछले एक साल में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप आउट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से लगातार इसका प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन किया है। स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में हम कह सकते हैं ओवरऑल इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले 10 साल में 26%, 5 साल में 15%, 3 साल में 40% और पिछले एक साल में एक बार फिर से अच्छा करीब 24% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर एज ए सिंगल एंटिटी या कंपनी कंसिडर किया जाए तो बैलेंस शीट इसका थोड़ा सा पुअर नजर आएगा, क्योंकि लगातार इस कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ दिखेगा मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट तक, और ये 19,909 करोड़ से बढ़ के 80,820 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर है या जो इस कंपनी के पीयर्स हैं उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे ये मोटे तौर पे आपको ठीक ही नजर आएगा, क्योंकि अगर 3-4-5 साल पहले चला जाए इस इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा स्ट्रेस था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी दिवालिया तो नहीं हुई, लेकिन न सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर कर्ज का बोझ काफी बढ़ता गया, रिजर्व घटता गया, बल्कि एक लंबे टाइम तक ये लॉस में भी चलती रही। रिजर्व पार्ट पे नजर डाला जाए तो लगातार इस कंपनी ने पिछले 5-6 सालों में अच्छा वर्क करते हुए इसको ग्रो किया है, और मार्च 2018 में जो 27,696 करोड़ का रिजर्व था इस कंपनी के पास, मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ के 65,394 करोड़ तक जा पहुंचा है। हालांकि मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर करीब 1600 करोड़ के आसपास डिक्लाइन नजर आएगा, क्योंकि तब इसके पास 66,996 करोड़ का रिजर्व था। कैश फ्लो में चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फिनेंशियल एक्टिविटी हो, लगातार ये निगेटिव बना हुआ है पिछले 3 सालों से, लेकिन नेट कैश फ्लो यहाँ पर एक बार फिर से आपको मार्च 2022 में निगेटिव तो नजर आ रहा है, लेकिन मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसमें भारी जंप आता हुआ दिखेगा और फाइनली ये पॉजिटिव साइड में 6,616 करोड़ है। JSW स्टील का होल्डिंग पैटर्न आपको फिलहाल काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2022 से लेकर जून 2023 के बीच में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 45% के आसपास बना हुआ है और इसमें आपको मार्जिनल ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 45.01% से बढ़ के 45.40% तक पहुंचा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.83% से बढ़ के 2.20% तक पहुंचा है। हालांकि पिछले 1.5 साल का डेटा देखा जाए तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जून 2022 क्वार्टर में थी, जब उनके पास इसका स्टेक करीब 2.27% था। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग लगातार आपको बढ़ती हुई दिखेगी और पिछले 1.5 साल में 6.10% से बढ़ के 7.40% तक पहुंचा है। यहां भी आपको दिसंबर 2022 और मार्च 2023 क्वार्टर रिपोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में आपको एक बहुत ही बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 क्वार्टर के बीच में उनकी होल्डिंग मात्र 11.5% से लेकर 10.5% के रेंज में थी, जो अचानक से दिसंबर 2022 में काफी एक बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखेगा और ये 11.5% से बढ़ के 26.04% तक पहुंच जाता है। और करंट टाइम में भी देखा जाए जो लास्ट इसके क्वार्टर रिपोर्ट जून 2023 का आया था, अभी भी करीब करीब 26% ये बना हुआ है।
और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में जो करीब 15% का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, इसका इंपैक्ट आपको रिटेल एंड अदर्स होल्डिंग पर नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में इनकी होल्डिंग 35.5% या 35% के आसपास थी, जो अचानक से गिर के 19.43% तक पहुंचा है। यानी रिटेल एंड अदर्स ने जो भी अपना स्टेक सेल किया गया है, ऑलमोस्ट 100% बाई ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किया गया है, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैं मैक्सिमम वीडियोस में बताता हूं, किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डिंग पैटर्न में, चाहे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो, DIs की होल्डिंग हो या FIs की होल्डिंग हो, अगर वहां पे इंक्रीमेंट आता है और रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग में डिक्लाइन आता है, उस कंपनी और उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट को लेकर पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। क्योंकि एक रिटेल के कंपैरिजन में ये सारे इंस्टीट्यूशंस ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, और जब किसी कंपनी का फ्यूचर उनको ब्राइट नजर आता है या अच्छा नजर आता है, तभी वो उस कंपनी के शेयर में अपने स्टेक बढ़ाते हैं। हालांकि JSW स्टील लिमिटेड के शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, इसको काफी पुअर माना जा सकता है, क्योंकि जो 26 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उसमें मात्र 27% ही एनलिस्ट ऐसे हैं जो इस कंपनी के फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर का प्राइस ग्रोथ हो, उसको लेकर ये पॉजिटिव है। ओवरऑल इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो इनकम में आपको दो चीजें ग्रीन जोन में जाती हुई दिखेंगी। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 सालों में करीब 18.36% रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज 13.83% से काफी ज्यादा है। दूसरा, जो ग्रीन जोन इंडिकेशन यहां पर आ रहा है मार्केट शेयर को लेकर, पिछले 5 साल में इस कंपनी का स्टील इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 15.86% से बढ़ के 21.25% तक पहुंच गया है, जबकि नेट इनकम के मामले में यहां पर एक निगेटिव साइन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि JSW एनर्जी का नेट इनकम पिछले 5 साल में नेगेटिव 7.78% ऑन एवरेज रहा है, जबकि ओवरऑल इस इंडस्ट्री का एवरेज परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइड में 7.05% रहा है। दोस्तों, ये तो रहा JSW स्टील लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस, जिसमें हमने देखा चाहे इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, कैसा रहा। रिसेंटली ये कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक ही नजर आ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल इसने एक दो छोटी कंपनीज का एक्विजिशन किया है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंडिया में नंबर 1 हो गया है। यहाँ से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो या ओवरऑल मेटल इंडस्ट्री, एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा रहने ही वाला है। और जो इनकमबेंट गवर्नमेंट है, अगर ये कंटिन्यू करती है अगला इलेक्शन जीत के आगे भी, नो डाउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगातार इसी स्पेस और इसी स्पीड के साथ चलता रहेगा, जिसकी बदौलत JSW स्टील लिमिटेड हो, टाटा स्टील हो, सेल हो या NMDC जैसे कंपनीज हो, उनके प्रोडक्ट में लगातार सेल बना रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो देखने वाली बात होगी, जो नई गवर्नमेंट सेंटर में आती है उनका क्या प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और जो करंट टाइम में अक्रॉस द इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को वो आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। स्पेशली अगर इस शेयर के बारे में बात किया जाए तो शायद आपको आइडिया होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वॉल्व होंगे तो, जिस इंडस्ट्री और सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो थोड़ा सा साइक्लिकल टाइप का होता है, और ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जिसके शेयर प्राइस में लगातार आपको मूवमेंट पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जरूर ऐसा होता है हर 1 साल 2 साल या 3 साल के गैप में एक अच्छा बूम इस इंडस्ट्री में आते रहता है। करंट टाइम में इसका बैलेंस शीट भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी का बोझ इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं, ऐसे शेयर को मैं अवॉइड करूंगा, और इस इंडस्ट्री से ही किसी शेयर को मुझे बाई करना होगा, मैं किसी ऐसे एक छोटे हाई स्टॉक ग्रोथ को चूज करूंगा जहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई हो, या इस सेक्टर और मेटल इंडस्ट्री से आने वाले किसी स्टेब्लिश प्लेयर का ही अगर मुझे शेयर बाई करना होगा, वैसे कंडीशन में मैं टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक को प्रेफर करूंगा, जहां JSW स्टील लिमिटेड के कंपैरिजन में लिक्विडिटी थोड़ी सी अच्छी है, मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है और जिनका गवर्नमेंट के साथ नेक्सस भी ठीक ठाक है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने सर्किल में दोस्तों के साथ और अपने परिवार जनों के साथ जरूर शेयर करें जो JSW स्टील लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।